What is up viewers, tell me how are you today? Welcome back to my channel. You are now watching AK Pro and let's begin our today's video. आज से आप लोग मुझे हर सैटरडे को मिलने वाले हैं और हर शनिवार मैं एक एपिक गेम आपको बताया करूंगा और इस टॉपिक को मैं नाम दिया है मैंने एपिक वीक। और एपिक वीक में आपको पता है कि जैसे एपिक गेम्स लॉन्चर आपको हर हफ्ते नई गेम दे रहा है और इस बार तो इन्होंने बड़ा ही ज़्यादा बड़ा धमाका कर दिया है जैसे आप लोग जानते ही हैं। और जो लोग इस बारे में नहीं जानते आप मेरी लेफ्ट साइड देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इन्होंने GTA 5 जो है प्रीमियम एडिशन बिल्कुल ही फ्री दे दिया है। तो ये बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर दिया है एपिक गेम्स लॉन्चर ने जिसका किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं था। हालाँकि ये जब गेम लॉन्च हुई थी 2013 में आई थिंक 17 सितंबर को हुई थी और इस ये गेम पहले PS और एक्सबॉक्स में रिलीज़ हुई थी और इसकी जो प्राइस थी वो थी 2500 और ये गेम द मोस्ट अवेटेड गेम ऑफ द ईयर थी इन 2013। और PC यूजर्स के लिए ये गेम और भी ज़्यादा अवेटेड थी क्योंकि ये PC के लिए रिलीज़ नहीं हो पाई थी। ये तो आपको पता ही है कि उन दिनों हम हर 4 महीने बाद वेट करते थे कि उन्होंने जैसे एक डेट बता दी है कि PC यूजर्स के लिए ये 2014 से गेम अवेलेबल होगी जनवरी से, फिर वो लेकर फिर उसको आगे घसीट कर ले गए मई तक, फिर साल के एंड तक ले गए, फिर उन्होंने बताया कि 2015 में लॉन्च होगी जनवरी में और लास्ट उन्होंने फाइनल डेट दे दी कि 4K 60 फ्रेम्स के साथ ऑप्टिमाइज होगी और ये आपको डेफिनेटली मई के मंथ में आपको मिल जाएगी। तो इन मई 2015 हमें लगभग 1 साल और 9-10 महीने के बाद हमें ये गेम देखने को मिली थी। तो काफ़ी ही ये अच्छी गेम बनाई थी उन्होंने उस टाइम और उसको उस टाइम लेना की बहुत ही बड़ी बात होती है कि 2500 एक PC गेम के लिए खर्चना, तो और तब मैं भी अफोर्ड नहीं कर पाया था। लेकिन मैंने इस गेम को पिछले साल आई थिंक 999 के प्राइस में ख़रीदा था इस गेम को और ये वेल ये बहुत ही आप इसको कह सकते हैं कि ये बैंक फॉर द बक था। लेकिन ये जो धमाका क्या है एपिक गेम लॉन्चर ने ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका कर दिया है। प्रीमियम एडिशन के साथ आपको ये गेम मिलती है और ये गेम 14 मई को थर्सडे को ये फ्री हुई थी और आप इसको क्लेम कर सकते हैं 21 मई मीन्स के नेक्स्ट थर्सडे तक। और अगर आप इस गेम को क्लेम कर रहे हैं और आपकी जो गेम है वो क्लेम नहीं हो पा रही है, जैसे मैंने भी खोला हुआ है एपिक गेम लॉन्चर और मैंने भी कल गेम को क्लेम करने की कोशिश की थी, मेरे से हो नहीं पाया था। आपको एरर आता है आई थिंक 505 का एरर आता है या अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाता है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको छोटा सा सिंपल सा तरीका बताने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोई बंदा इस गेम को क्लेम नहीं कर पा रहा, वैसे ऑब्वियसली सबको पता है कि ये गेम फ्री होने वाली थी, आई थिंक ट्वीट भी हो गया था कि ये गेम फ्री होने वाली है, तो सब ने आई थिंक गेम क्लेम कर रही होगी। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये गेम को क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग अपने मोबाइल ब्राउज़र से इसको क्लेम कर सकते हैं, ये बहुत ही ईजी होगा। मैंने खुद मोबाइल फ़ोन से इसको गेम को क्लेम किया है। आप एपिक गेम्स लॉन्चर को सर्च करिए, अपना लॉग इन करिए, एक गेम को क्लेम करिए, बहुत ही ईजी से आपको ये गेम मिल जाएगी। PC में ये बहुत ही तरह तरह के एरर बताता है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसके साथ 1 मिलियन का बोनस कैश भी दिया है जैसे ही आप इस गेम को डाउनलोड करते हैं। इसका कुछ स्पेस होगा कुछ 90 GB से लेकर 94 GB तक और ये आपको देगा 1 मिलियन रुपीज़ और $1 मिलियन सॉरी। और जब आप इसको मल्टीप्लेयर में प्ले करेंगे तो मल्टीप्लेयर में प्ले करने के बाद आपको कुछ वेट करना होगा कुछ 7-8 दिनों का जैसे ये कह रहे हैं। कईयों के शायद ये 7 ही शो कर दे और कुछ लोगों के ये 7 शो ना करे, तो आप वहाँ पे 7-8 दिन का वेट करिएगा। आपको $1 मिलियन कैश मिल रहे हैं इस गेम के लिए और आप इस गेम को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। आपको लगता है कि मेरी जो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस है वो गेम के लिए पूरी नहीं होगी, तो ये गेम बिल्कुल ही फुली ऑप्टिमाइज है। ये एक अकेली गेम है इस सेगमेंट में कि इतनी अच्छी गेम थी, इतनी मोस्ट अवेटेड गेम थी। हमें लगता था कि शायद ये हमें बहुत बड़ा ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा। तब के टाइम मेरे पास होता था AMD R9 270X सफायर का टॉक्सिक एडिशन होता था और 2 GB वाला वेरिएंट था मेरा, तो मुझे लगता था मेरी गेम ये शायद ना उठा पाए, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से इसने उसको प्ले करा था। तो अगर आपके पास अभी सिस्टम नहीं है अच्छा सा और अगर आप प्लान कर रहे हैं सिस्टम लेने का, तो मेरी सलाह है कि सारे काम छोड़ दीजिए पहले। जो गेमिंग वर्ल्ड के बंदे हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उन बंदों को प्लीज़ इस गेम को क्लेम कर लीजिए। रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ, आपके फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ कि ये ऑफ़र दोबारा नहीं मिलने वाला है। एपिक गेम्स लॉन्चर ने बहुत ही बड़ा धमाका किया है और मुझे लगता है कि काफ़ी मिलियन प्लेयर्स ने इसको क्लेम कर लिया होगा जिन्होंने पहले एपिक गेम्स लॉन्चर को कभी नहीं चलाया है, वो भी मुझे लगता है इन्होंने स्पेशली इसका अकाउंट बनाया है, इसका एपिक का अकाउंट बना के इस गेम को क्लेम किया है।
और एपिक ने धमाका करना शुरू किया था मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले, जब इन्होंने बैटमैन की सारी सीरीज फ्री दे दी थी, और उसके बाद हर हफ्ते कुछ ना कुछ गेम्स को फ्री देते आ रहे हैं। वेल, वो गेम्स इतनी अच्छी नहीं थी जो बीच में फ्री दे रहे हैं, लेकिन जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ है ये। इतनी अच्छी गेम मिस करेंगे तो मेरे ख्याल से मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा उन बंदों को। और हाँ, नेक्स्ट वीक आई थिंक ये और बड़ा धमाका करने वाले हैं। कुछ इन्होंने लिखा है कि मिस्ट्री गेम अपलोड होने वाली है, क्योंकि जैसे मैं लास्ट वीक की बात करूँ तो लास्ट वीक इन्होंने लिखा था कि एक एपिक का मिस्ट्री गेम आने वाली है, तो गेम ये थी। अब नेक्स्ट वीक क्या आता है कौन जाने, बट स्टिल मैं आपको इस बारे में अपडेट देता रहूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं अपने हर हफ्ते मैं इंस्टाग्राम पेज पर एपिक गेम्स का बताता हूँ, या स्टीम में गेम फ्री हो मैं तब बताता हूँ, अगर यूबीसॉफ्ट में सेल लगी हो मैं तब बताता हूँ। तो उसके चलते अगर कोई लोग मुझे नहीं फॉलो कर पाते इंस्टाग्राम पेज पे, तो ये वीडियो मैं आपके लिए हर हफ्ते बनाया करूँगा। अगर हाँ, ये सैटरडे के सैटरडे आपको ये एपिक वीक आपको मिल जाया करेगा। इसके अलावा अगर कोई स्टीम गेम देता है फ्री में तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, कुछ सेल्स लगती हैं तो मैं आपको वो भी बता दिया करूँगा। और वेल, आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप दैट यू गाइस लाइक माय वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक इट देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और इफ़ यू डोंट लाइक इट देन डिसलाइक दिस वीडियो। And as always, I'll catch you guys with the next one. So till then, take care and bye-bye. मैं इस टॉपिक को नाम दिया करूंगा 12 seconds later.